चलिए प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के बाद तो उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर गंग नहर में बताया जा रहा है हरिद्वार से खबर, पानी छोड़ दिया गया है। एक महीने बाद नहर में छोड़ा गया है पानी, हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर रौनक लौटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मरम्मत और कुंभ कार्यों के चलते गंग नहर बंद पड़ी थी, लेकिन अब इसमें पानी छोड़ दिया गया है, जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से गंग नहर में पानी छोड़ा गया है और एक महीने बाद नहर में पानी छोड़ा गया है। एक महीने बाद बताया जा रहा है कि वापस से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। गंग नहर में पानी छोड़ दिया गया है, ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, गंग नहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और लगभग एक महीने बाद गंग नहर में पानी छोड़ा गया है, अर्की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर एक बार फिर से लोगों की रौनक लौट आई है। धर्मेंद्र हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगभग एक महीने के बाद गंग नहर एक बार फिर से खुल गई है और ये रौनक जो थी पहले वाली एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बिल्कुल नलिनी, देखिए करीब एक महीना बंद रहने के बाद गंग नहर को देर रात खोल दिया गया है। इस समय हर की पैड़ी सहित जो जितने भी गंगा घाट है वहां पर रौनक वापस आ गई है और शहर के लोगों ने, श्रद्धालुओं ने और व्यापारियों ने इस पर खुशी जाहिर की है। एक महीना पहले करीब गंग नहर को बंद किया गया था और चूंकि अगले साल यहाँ पर कुंभ मेला आयोजन होने जा रहा है तो उसके चलते साथ ही कई गंगा स्नान घाट बनने थे और वार्षिक मरम्मत के लिए भी गंग नहर को बंद किया जाता है, तो इस बार अवधि थोड़ा बढ़ा दी थी और एक महीना ये गंग नहर यहाँ पर बंद रही है। उसके बाद देर रात दीपावली की देर रात में इसे खोला जाना था, इसमें पानी छोड़ दिया गया है। इस समय हर की पैड़ी के सभी घाट गुलजार हो गए हैं, वहां पर पानी पहुंच चुका है, तो आज श्रद्धालु भी खुश हैं और स्थानीय नागरिक और व्यापारी भी ने भी खुशी जाहिर आज की है। यहाँ अब इसमें सफाई बनी रहे और इसी तरह से गंगा नहर स्वच्छ रहे, ये भी एक प्राथमिकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो लगातार यहाँ पर अभियान चलते है रहता है, यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, मेला प्रशासन है और नगर निगम है कि गंगा को सफाई रखा जाए, और इस दौरान बड़े कई जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और मेला प्रशासन और मेला अधिकारी दीपक रावत के नेतृत्व में एक बड़ा प्रयास भी किया गया था गंगा साफ कराने को लेके, कई संस्थाओं ने अभियान चलाया। तो वर्तमान की बात करें तो सभी घाटों को साफ किया गया है, गंगा को साफ किया गया है, साथ ही कई घाट कुंभ मेले को देखते हुए बनाए गए हैं, तो सभी कार्य पूरे हो गए हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि रात गंगा में पानी छोड़ा गया है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं में, स्थानीय नागरिकों में, तीर्थों में, पुरोहितों में और जो यहाँ पर व्यापारी हैं सभी लोगों में खुशी की लहर है। इस समय गंगा पूरी अपना गुलजार, गंगा के घाट है, देर रात से पानी छोड़ दिया गया है और गंगा में इस समय यहाँ से मुरादाबाद तक कह सकते हैं कि हरिद्वार से गंगा नहर चलती है, मुरादनगर होते हुए कानपुर जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।